हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं LG का 32 इंच का LED TV के बारे में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और इसे अनबॉक्स करके दिखाएंगे। हमारे पास एक नया मॉडल आया हुआ है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, इसका मॉडल है 32LM56। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको इसका फीचर्स के बारे में बताते हैं और किस तरह का मॉडल है वो भी दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको मिल जाता है एक LED TV और एक रिमोट कंट्रोल, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और दो बैटरी, पावर केबल और दो स्टैंड। तो फ्रेंड्स, अब इसके बिल्ड क्वालिटी का बात कर लेते हैं कि किस तरह का इसका बिल्ड क्वालिटी है। तो फाइबर मटेरियल से बना हुआ है पूरा और डिस्प्ले पैनल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और बैक का लुक जो देख पा रहे हैं आप, यह भी काफ़ी स्मूथ है और इसमें डस्ट आपका बहुत कम लगेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके पोर्ट्स के बारे में। तो पोर्ट जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास पुराना सेटअप बॉक्स है तो वो उसमें ये सारे बटन TV AV का जो रहता है वो पोर्ट्स है, और ऑडियो का पोर्ट है, और ये इथरनेट का पोर्ट है, और ये हेडफोन आउट का पोर्ट दिया गया है, और इसका आप ज़रूरत नहीं पड़ता है, एंटीना का पोर्ट है। और अगर आपके पास ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो का सेटअप है तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। और नेक्स्ट पोर्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इधर, तो इसमें दो HDMI पोर्ट दिए गए हैं, 1 और 2, और एक USB पोर्ट दिया गया है, और एक पावर का पोर्ट मिल जाता है आपको। तो फ्रेंड्स, आजकल सभी TV में आपको माउंट के लिए दिया जा रहा है जगह, तो आपको एक वॉल माउंट का ज़रूरत पड़ेगा जिसे आप पीछे इस तरह से इसमें कसकर वॉल माउंट कर सकते हैं। और बटन का बात कर ले फ्रेंड्स, तो इसमें एक बटन दिया गया है पावर का। और फ्रेंड्स, इसके स्टैंड के लिए इसमें दो स्टैंड दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इधर, देखिए ये बी लिखा हुआ है, तो इसमें भी एक बी रहता है एक ए रहता है, तो बी वाले को इधर डाल के नट टाइट कर देना है आपको, और ए के लिए इधर पोर्ट दिया गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे पिक्चर क्वालिटी का, तो इसमें 3 टाइप का TV आता है, HD रेडी जो कि सबसे लो में आता है, उसके बाद फुल HD, उसके बाद आता है 4K। तो 32 इंच में ये HD रेडी LED TV है। तो चलिए इसे हम लोग ऑन करते हैं और इसका पिक्चर क्वालिटी देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग वॉल माउंट कर लिए हैं TV को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग इसमें पिक्चर क्वालिटी के लिए एक वीडियो चलाएंगे। ठीक है, बस हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसका साउंड चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 10 वाट का आपको स्पीकर मिल जाता है, तो चलिए साउंड इसका टेस्ट कर लेते हैं कि 10 वाट में कितना साउंड हम लोग को मिल पाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप 32 इंच का TV खोज रहे हैं 10 से 15 हज़ार के बजट में? तो फ्रेंड्स सिंगल रूम के लिए आपको ये साउंड काफ़ी है, लेकिन अगर आप हॉल में लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से होम थिएटर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि 10 वाट का स्पीकर पूरे हॉल में अच्छा तरह से साउंड नहीं दे पाएगा। अब बात करते हैं इसका पिक्चर क्वालिटी का, तो 1366x768 पिक्सल का दिया गया है और इसमें HDR सपोर्ट है जो कि आपका पिक्चर क्वालिटी को इन्हेंस कर देता है। और इसका भी एंगल का बात कर ले फ्रेंड्स, तो ये आप कहीं भी साइड से 178 डिग्री दिया गया है जो कि आप कहीं भी रूम में किधर भी बैठ के आप आसानी से देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें मेन चीज वाईफाई होता है जो कि आपका सारा एप्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सारा कुछ आपको वाईफाई के द्वारा मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड्स इसमें कास्टिंग का फीचर्स मिल जाता है जो कि आप बड़े स्क्रीन में इसका आनंद ले सकते हैं। अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर लेते हैं, तो इसमें वेव OS डाला गया है जो कि TV को और भी स्मूथ बना देता है। अब हम लोग इसका पावर सप्लाई का बात कर लेते हैं,
तो ये 100 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक आसानी से चलेगा, और जब ये स्टैंड बाय में रहेगा तो 0.5 वाट का कंजप्शन करेगा ये। इसका वेट का बात कर ले फ्रेंड्स, तो और टीवी के मुकाबले में देखा है मैंने कि ये 5 केजी का है, जबकि और सब टीवी 2-3 केजी में आसानी से आ जाता है। तो इसमें प्रोडक्ट जो है हैवी यूज किया गया है, इसलिए एलजी का थोड़ा प्राइस जो है हाई रहता है। और फ्रेंड्स इसका वारंटी का बात कर लेते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट और पैनल का 1 ईयर का ही वारंटी आता है। प्राइस फ्रेंड्स इसका लगभग 18 से 20 हज़ार के बीच में रहता है। तो फ्रेंड्स एलजी का क्वालिटी बहुत ही शानदार है, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर और भी आप कोई टीवी के कंपेरिजन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।